नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और उससे पहले जो नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट थी वो थी 12 सितंबर और जो नॉमिनेशन विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो है 8 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, इलेक्शन की डेट आपको सबको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन है। तो दोस्तों, एक खबर अखबार में आई है कि किस हलके से कितने उम्मीदवार इस बार इलेक्शन में खड़े हैं, तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये खबर है दैनिक जागरण की, चलो देखते हैं। भिवानी हलके में सर्वाधिक 31 और नांगल चौधरी में सबसे कम 9 उम्मीदवार, 310 महिलाएं मैदान में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो भिवानी हलके में हैं, 31 हैं और नांगल चौधरी से 9 उम्मीदवार इस विधानसभा इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अभी नामांकन वापस लेने की डेट भी है, 16 सितंबर है, उसके बाद देखते हैं कितने बचेंगे। लेकिन जो नामांकन अभी तक सबमिट करे गए हैं वो कितने हुए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, कालका से 14, पंचकूला से भी 14, नारायणगढ़ से 15, अम्बाला कैंट से 16, अम्बाला सिटी से 15, मुलाना आरक्षित 15, सढ़ोरा आरक्षित भी 11, जगाधरी से 16, यमुनानगर से 16, रादौर 13, लाड़वा 24, शहबाद 17, थानेसर 14, पेहवा 17, गुहला 20, कलायत 23, कैथल से 16, पुंडरी से 28, नीलोखेड़ी से 23, इंद्री से 10, करनाल से 17, घरौंडा से 12, असंध से 22, पानीपत रूरल से 16, पानीपत सिटी से 17, इसराना से 13, समालखा से 12, गन्नौर से 15, राई से 18, खरखोदा से 15, सोनीपत से 16, गोहाना से 18, बरोदा से 11, जुलाना से 16, सफीदो से 22, जींद से 21, उचाना कला से 30, नरवाना से 18, टोहाना से 17, फतेहाबाद से 27, रतिया से 18, कलावली से 12, डबवाली से 20, रानिया से 23, सिरसा से 18, एलाहाबाद से 14, आदमपुर से 18, उकलाना से 11, नारनौंद से 25, हासी से 23, बरवाला से 14, हिसार से 26, नलवा से 25, लोहारू से 18, बाड़सा से 19, दादरी से 23, तोसाम से 22, भवानीखेड़ा से 19, महम से 24, गढ़ी सापला किलोई से 12, रोहतक से 21, कलानौर से 15, बहादुरगढ़ से 19, बादली से 10, झज्जर से 13, बेरी से 15, अटेली से 14, महेंद्रगढ़ से 21, नारनौल से 17, बावल आरक्षित से 13, कोसली से 23, रेवाड़ी से 17, पटौदी से 12, बादशाहपुर से 19, गुड़गांव से 24, सोहना से 24, नूह से 11, फिरोजपुर झिरखा से 13, पुनहाना से 11, हथीन से 13, होडल से 18, पलवल से 16, प्रिथला से 19, फरीदाबाद एनआईटी से 16, बड़खल से 15, बल्लभगढ़ से 11, फरीदाबाद से 12 और तिगांव से 15। दोस्तों, ये जितने भी नामांकन हुए हैं उसमें 1250 तो मेल हैं और 310 महिलाओं ने इस बार विधानसभा इलेक्शन के लिए नामांकन किया है और एक इसमें ट्रांसजेंडर भी है जिन्होंने यहाँ पर नामांकन किया है। 2014 में विधानसभा चुनाव में 1351 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और 2019 में 1169 प्रत्याशियों ने इलेक्शन लड़ा था। दोस्तों, इलेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। नामांकन की लास्ट डेट थी 12 सितंबर और विड्रॉल की जो डेट है वो है 16 सितंबर, इलेक्शन की डेट है 5 अक्टूबर और डेट ऑफ काउंटिंग की है वो है 8 अक्टूबर 2024। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।